नमस्कार। आज मैं उन बहन बेटियों के बारे में बात करना चाहूँगी जिनकी शादी हो चुकी है या तो होने वाली है। जब शादी हो जाती है और उनके घर में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो सीधे माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं लड़की के कि इन्हीं की वजह से मेरा घर टूटा है। हाँ, कुछ माँ होती हैं कि थोड़ा सा इंटरफेयर करती हैं तो उससे भी थोड़ा बिगड़ जाता है क्योंकि माँ बेटी सपोर्ट में रहते हैं एक दूसरे के, लेकिन सब माएँ ऐसे नहीं होती हैं। और लेकिन लेबर सब माएँ के ऊपर लग जाता है कि सारी लड़कियों के माँ ऐसे ही होती हैं, लेकिन ये तो गलत है ना। कोई बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोच सकता है। कोई माँ बाप अपने बच्चों का घर नहीं तोड़ना चाहेंगे। उनको खुद नहीं पता होता है माँ लोग को कि हमारी बातों से इनका घर टूट रहा है, क्योंकि वो तो अच्छे बातें करते हैं। और घर टूटने का मेन कारण मेरे हिसाब से तो यही है कि लड़का लड़की की वजह से ही टूटता है। अगर ये दोनों सक्षम हैं तो अपना घर खुद संभाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि लड़के के घर वाले चाहते हैं कि हमारे हिसाब से रहे और लड़की थोड़ा मायके के हिसाब से रहना चाहती है, जो रह सहन में जी है उसी के हिसाब से वहाँ रहती है। तो यही कारण है कि वो छोड़ नहीं पाती है मायके का रहन सहन, और वो लोग वही चाहते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि दोनों लोग एडजस्ट करो ना थोड़ी थोड़ी करके। और माना कि लड़कियों के लिए बहनों के लिए कुछ प्रॉब्लम है ससुराल में, तो तुम्हें माँ बाप ने इतना सक्षम पढ़ा लिखा के किए हैं कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो मर्यादा संस्कार में रख के। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने माँ बाप को बताओ और भी किसी से जिससे मदद मिल सके उनको बताओ, चुप नहीं रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी बात करके बता के और अपने माँ बाप के दुखी करो और अपने परिवार में भी शांति भंग करो। तो क्योंकि वो तुम्हारा ही घर है और उनको प्यार से रखो, रहो, कुछ उनकी बातें सुनो, एडजस्ट हो। उनको कुछ दिन के बाद वो तुम्हारी बात खुद ही सुनने लगेंगे, अच्छा लगने लगेगा, हंसी खुशी का माहौल बनाओ। और अपने माँ बाप का सिर हमेशा ससुराल में ऊँचा रखो और अपने घर परिवार का भी नाम रोशन करो। और मायके का जिंदगी जो जी चुकी हो तो बचपना था, अब मैच्योर हो गए हो तुम लोग, तो अपने अपने घर पे अपना अपना घर संभालो और किसी का वो मत करो और मान सम्मान से सबको रखो और खुद मान सम्मान से रहो पाओ। धन्यवाद।